देखो लिनर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं ना, मतलब कंप्लीटली वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम होता है ना, एयर वेयर सब निकाल के हटा देते हैं, तो इवैक्यूएटेड लिख सकते हैं इवैक्यूएटेड। तो पहली बात तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में निकलेंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। हम चाहते हैं कि हम इस प्लेट में कलेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा देंगे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हो गया, ये वाली नेगेटिव हो गई, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी ना, अरे पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी ना, देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर रैंडमली इधर उधर नहीं भागेंगे, वो उसकी तरफ भागेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या करेगा प्लेट की तरफ जाएगा, तो अब प्लेट की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं ना, पर सारे प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब कहोगे क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो अट्रैक्ट कर रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा भी होगा कि वो जा रहे हैं और एकदम से वापस आ जाएंगे, अब ऐसा क्यों हो रहा है, और वापस चले जाएंगे, और इंडीड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वापस चले जाते हैं प्लेट में, अब ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो समझो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस प्लेट में भी क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अरे आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो फिर क्या होता है जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को वापस खींचती है, तो ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते पर इलेक्ट्रॉन के निकलते ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो प्लेट वापस भी खींच रही है इलेक्ट्रॉन्स को, हम नहीं चाहते कि प्लेट वापस खींच पाए, तो हमने क्या करा, हम इस बैटरी को पोटेंशियल दे देते हैं, हमने कोई भी सर्टेन पोटेंशियल भी दे दिया, तो उस भी पोटेंशियल से क्या होगा भाई, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर इसकी फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, तो अब जिस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो यहां तक पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ वापस आ जाएंगे, जो रेस्ट पे निकलेगा वो वापस आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं कम करते हैं, देखते हैं उसके साथ क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे और कम करेंगे, नेगेटिव करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं ना, पैरामीटर चेंज कर करके देखते हो, देखते हैं क्या फर्क आ रहा है किस किस चीज में। तो हम इसका पोटेंशियल वेरी करेंगे, बैटरी का वेरिएबल बैटरी लगा के रखते हैं ना, उसका पोटेंशियल अपन वेरी कर सकते हैं, तो हम उससे देखेंगे करंट पे क्या फर्क पड़ता है। करंट कौन सा है भाई, ये जो है, ये जो तुम्हारे यहाँ पे बिल्ड हुआ है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, जो इस स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं करंट, अरे फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है क्या। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मैं पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बना लूं, कौन सा करंट भाई, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा देते हैं, करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं एमीटर लगा देते हैं, तो वो सब लगे रहते हैं ना वो सब। तो अब हम मैं बनाऊंगा पोटेंशियल वर्सेस जब करंट का ग्राफ बनाया तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया और एसिम्प्टोटिकली फिर वो चला गया, मतलब क्या हो, देखो अब इसमें बहुत सारे डेटा है ना, धीरे धीरे स्टडी करेंगे ना। सबसे पहले तो बोल रहा है यहाँ पे इसके बाद पोटेंशियल नेगेटिव हो गया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर देख रहा है अगर हमने पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ाया तो करंट सेचुरेट हो गया, अब करंट एसिम्प्टोटिकली बढ़ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। तो अभी हमें पहले दो चीजें पढ़नी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और सेचुरेशन करंट क्या होता है। उसमें अपन को करंट दिखता रहता है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो हमें बैटरी का पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो वी वर्सेस ए का ग्राफ बना लेंगे, डेटा बना देते हैं लैब में, तो जा रहा होगा करंट ऐसे जा रहा होगा भाई, चलो देखो हमें। तो सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना, धीरे धीरे करके अपन समझेंगे ये ग्राफ कैसे है और क्या होता है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखो वी नेगेटिव कर दिया गया है, मतलब एक्चुअली में बैटरी को उल्टा लगा दिया गया है ना, है ना, तो इसका मतलब देखो हो क्या रहा है, पहले तो मान लो जीरो पोटेंशियल कर देते हैं ना, मान लो पोटेंशियल जीरो कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, तो जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ फोटो का करंट तो आ रहा है, तो जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है, बैटरी हटा दो, मान लो बैटरी नहीं है, तो उस केस में क्या हो रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आए तो वो जो नेचुरली अपने आप यहाँ तक पहुंच पा रहा है बस वो ही पहुंच रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों, कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके तो आए होंगे, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी थी उन इलेक्ट्रॉन को प्लेट ने वापस खींच लिया, पर जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी फील्ड से निकल गए और अपोजिट दूसरी प्लेट तक पहुंच गए। ये कब का सिनेरियो है, जब जीरो पोटेंशियल था, समझ में आ गया। अब मान लो हमने उल्टा क्या करा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमने करंट जीरो कर दिया, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट क्या हो गया जीरो, मान लो हम चाह रहे हैं कि भाई करंट आए ना, हम नहीं चाहते कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच पाए, हम चाह रहे हैं कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले सारे के सारे वापस चले जाए प्लेट में, समझ में आ गया। हम नहीं चाह रहे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सारे वापस पहुंच जाएंगे तो करंट क्या हो गया जीरो, निकल रहा है वापस आ रहा है, निकल रहा है वापस आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या।
तो उसके लिए जो तुम्हें पोटेंशियल करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैटरी को उल्टा लगाओ, बैटरी को उल्टा लगाओ कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो गया अगर इस प्लेट का, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाएगी और ये वाली प्लेट और भी ज्यादा खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास। समझ में आ गया? तो मिनिमम मैं कितना करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, बताया मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल कितना करूं कि करंट रुक जाए। तो लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो।